सिटी चैनल पर चली खबर का असर देखने को मिला। बागबड़ा पुलिस द्वारा दबंगों पर कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बताते चलें, बागबड़ा के मोहल्ला इस्लाम नगर में दबंगों ने एक विधवा महिला को जमकर पीटा और उसकी पुत्री के साथ भी बदतमीजी की, जिसको लेकर पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बताते चलें, मारपीट व छेड़खानी को लेकर पीड़ित महिला के द्वारा थाने में पहुंचकर छेड़खानी व मारपीट की घटना का आरोप लगाया गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। एसएसपी मुरादाबाद के द्वारा घटना का संज्ञान लिया गया। बागबड़ा थाने में मारपीट की घटना को लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के क्रम में SI कुलदीप तोमर थाना बागबड़ा द्वारा मैं हमराही पुलिस बल के अभियुक्त गण उस्मान इमरान कासिम, पुत्रगण मोहम्मद कयूम, सुलेमान पुत्र अयूब, रजवान पुत्र खालिक, निवासी गण इस्लाम नगर कस्बा व थाना पागबड़ा जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। देखिए, एक घटना हुई है जिसमें दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई है और इसमें पहले बच्चों में झगड़ा हुआ था और उसी बात को लेकर पर इनमें आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक महिला को पीटते हुए एक वीडियो भी इसमें एक वायरल हुआ है, जिसमें थाना पाकवाड़ा में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महिला का इसमें मेडिकल कराया गया है और मेडिकल में जो चोट आई है उनके आधार पर मुकदमे में जो धाराएं हैं उनमें तरमीम करते हुए इसमें जो आरोपी व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कितने अक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं? इसमें 3 लोगों के खिलाफ लिखवाया गया था, बाकी इसमें महिलाएँ और बच्चे और थे, तो उनको और बाकी इसमें जाँच करने के लिए क्षेत्र अधिकारी हाईवे को बताया गया है कि उन्होंने मौके पर जाके उन्होंने जांच भी किया है और जो और लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। अक्यूज कितने अरेस्ट किए इसमें? 3 लोग अरेस्ट। सर, कोई और भी इंजर्ड है क्या? नहीं, इसमें एक सिंपल वैसे सिंपल मारपीट का मामला था, आपस में मोहल्ले का ही मामला था, आस पड़ोस का ही, और बच्चों को लेकर पहले मारपीट हुई थी, उसी में फिर आपस में ये मारपीट हुई है।